नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हम लोग ना अजबगढ़ और भानगढ़ से निकले थे जयपुर की तरफ, तो रास्ते में ही एक छोटा सा कस्बा पड़ा जिसका नाम है प्रतापगढ़। जब हम रोड से निकलते हुए जा रहे थे पहाड़ी पे हमें एक किला दिखा, तो इस किले के बारे में हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा और गूगल पे सर्च किया। ये जो किला है ये राजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये जो किला है ये 3 जिलों की सीमा पे पड़ता है, यानी अलवर, जयपुर और दौसा। तीनों जो जिले हैं उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस किले का निर्माण कराया गया था। और ये किला मेहमान नवाजी के काम भी आता था, यानी जो मेहमान यहाँ पे आते थे, मतलब दूर दराज से जो राजा वगैरह आते थे, उनके रुकने के लिए, उनके ठहरने के लिए भी इस किले को बनवाया गया था। चारों तरफ आप लोग देखेंगे अरावली पर्वतमाला का बहुत ही अच्छा नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये है प्रतापगढ़ शहर, यानी छोटा सा कस्बा है। यहाँ से हम लोग अभी जयपुर की तरफ जा रहे थे, तो इस किले पे चलते हैं, आज आप लोगों को ये किला दिखाते हैं। किले के ऊपर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, इस तरह का कुछ रास्ता है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी कोई पर्यटक भी नहीं आते हैं, क्योंकि पर्यटक जो आते हैं वो भानगढ़ और अजबगढ़ तक ही आते हैं। अभी यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, इससे तो पता तो ये लगता है कि इस फोर्ट पे आने के लिए एक यही मात्र रास्ता है, क्योंकि अगर कोई और रास्ता होता तो ये सीढ़ियाँ वगैरह नहीं बनी होती। ये फोर्ट के जाने के लिए यही एक रास्ता है, जैसे कि गांव वालों ने हमें बताया था कि आप उस रास्ते से जा सकते हैं। चलिए अभी थोड़ा सा ऊपर और रह गया किला, नीचे से काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग किले पे पहुँचे हैं। ये किले का मेन गेट है। जैसे ही हमने किले में एंट्री ली है, सबसे पहले यहाँ पे ये देखने को मिलता है हमको, पूरी तरह से खंडर हो चुका है। अच्छा, पहले ये 2 मंजिला इमारत रही होगी, क्योंकि एक मंजिल इसकी टूट गई और नीचे देखो धस गई है। यहाँ पे ये पूरा टूट चुका है, यहाँ ये पूरी तरह से देखो टूट चुका है किला। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है इसका जो दूसरी मंजिल है, अभी हम दूसरी मंजिल पर खड़े हैं। नीचे देखो वहाँ पे एक गुप्त रास्ता बोलेंगे, या ये मतलब एक मंजिल इसकी नीचे और थी यहाँ। हाँ, और यहाँ ये गेट बना हुआ है, इससे अभी हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। ये जो प्रतीक आप लोगों को दिख रहे हैं, इससे ऐसा पता लगता है कि अंदर की तरफ कोई मंदिर है, और वो मंदिर में आज भी लोग पूजा करने के लिए आते हैं। किला पूरी तरह से खंडर हो चुका है। अभी हम लोग किले के चौक में हैं। ये किले का चौक है, जहाँ पे एक ये टॉक बना हुआ है पानी के लिए, जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता था, स्टोर किया जाता था। अगर नीचे आप लोग देखेंगे तो इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं नीचे जाने के लिए, क्योंकि इसकी पहले सफाई वगैरह भी हुआ करती थी। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखो नीचे का नज़ारा थोड़ा बहुत दिख पाएगा। यहाँ से दिखाओ, ये जो सुराग है, यहाँ से आप लोग देखेंगे तो नीचे का नज़ारा आप लोगों को दिख रहा होगा। अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये किला बंद पड़ा है, यहाँ पे पर्यटक नहीं आते हैं, कोई भी यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे एक दुर्गा माता का मंदिर है ऊपर, उनका भी विशेष महत्व है। यहाँ के जो लोग हैं नवरात्रि में यहाँ पे भंडारा वगैरह करते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। मंदिर की तरफ अभी हम चलेंगे। इस साइड अगर जाते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ से किले के दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये किले का दूसरा छोर है। अगर आप लोग यहाँ से भी आना चाहें तो खड़ी चढ़ाई है, यहाँ से भी आप लोग आ सकते हैं। नीचे आप लोगों को ये जो रोड दिख रहा है, ये मेरे हिसाब से शायद जयपुर की तरफ गया है, वही रोड है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। किला काफी विशाल था, लेकिन राजस्थान सरकार की अनदेखी के तहत ये जो किला है ये खंडर हो चुके हैं। अब राजस्थान के बहुत सारे किले अभी खंडर हो रहे हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार इन किलों पे ध्यान नहीं दे रही है, जिस वजह से ये किले खंडर हो रहे हैं। यहाँ पे एक बुर्ज बना हुआ है, ऊपर बुर्ज है और नीचे यहाँ पे ये है। अब तो यहाँ पे सारे किलों में वैसे चमगादड़ों ने कब्जा किया है,
यहाँ पे भी किया था। ये जो है ना, ये सब चमगादड़ों के घर हैं। ये मंदिर बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ है मदन मोहन मंदिर। काफी अच्छी डिजाइन बनी हुई है और बहुत अच्छा ही इसको सजाया गया है। हालांकि अभी मंदिर के अंदर कोई मूर्ति वगैरह नहीं है। अमर भाई थोड़ा सा ऊपर से आइए और दिखाइए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति वगैरह नहीं है। हो सकता है पहले ये राजा महाराजाओं के समय में ये मंदिर रहा हो, अभी तो ये मंदिर नहीं है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा इधर अंदर आके दिखाइए। ये देखो, ये तोड़े गए हैं, ये सारी चीजें तोड़ी गई हैं यहाँ पे। ये अपने से नहीं टूटा है, इनको तोड़ा गया है। ये पूरा सब कुछ तोड़ा गया है। मतलब पहले का क्या होता था कि ये जो खजाना वगैरह रखते थे ना राजा महाराजाओं के जमाने में, तो दीवारों में भी रखते थे। इस वजह से इन दीवारों को भी तोड़ा गया है और देखा गया कि कहीं पे खजाना वगैरह मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। वाली जो सीढ़ियां हैं ये ऊपर मंदिर के लिए गई हैं, और ये जो गेट है, ये अंदर ये जो बोर्ज बना है वह उसके अंदर गई हुई हैं। इधर चलते हैं। ये देखिए पूरी तरह से ढह चुका है, टूट चुका है ये किला। यहाँ पे आइए, यहाँ से होते हुए भी हम लोग ऊपर जा सकते हैं। आओ इधर से ही चलते हैं, आ जाओ। इस किले में एक तोप रखी हुई है कहीं पे, उस तोप को देखना है हम लोगों को, क्योंकि वो जो तोप है वो उसी जमाने की है जब यहाँ पे राजा रहा करते थे। आइए, यहाँ पे ये अंडरग्राउंड जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं जिससे आप लोग नीचे की तरफ जा सकते हैं। अंदर का नज़ारा ये देखो, पानी के लिए है, इसमें अभी भी पानी स्टोर है, दिख रहा है। ये सारी चीज़ें पानी के लिए हैं, ये पानी स्टोर करने के लिए था जिसमें अभी भी पानी भरा हुआ है। इस साइड आते हैं, यहाँ पे भी पूरी तरह से ये मतलब किले में तोड़फोड़ की गई है। ये देखो, ये सारा पत्थर है ना, ये सारे के सारे खुदाई में निकले हैं, मतलब खोदे गए हैं। और थोड़ा सा आगे आते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही गुप्त अंधेरा है। इधर इस साइड देखोगे तो ये जो गलियारा है ना, इस साइड देखो, इस गलियारे में बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, और उस साइड में चमगादड़ की भी आहट सुनाई दे रही है। तो ये उस जमाने में गलियारा रहा होगा, हो सकता है इसके इधर कमरे वगैरह भी रहे हों। फिलहाल तो हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि पूरी तरह से अंधेरा है और इधर जाना भी खतरे से खाली नहीं है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो नीचे का नज़ारा दिखता है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से आप लोग देखिए, ये पूरा प्रतापगढ़ है यहाँ से जो आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे इस साइड में। तो यहाँ से प्रतापगढ़ का नज़ारा दिखता है, बहुत ही खूबसूरत। हर किले में आप लोगों को चमगादड़ तो मिल ही जाएंगे। इसमें देखो चमगादड़ों की आवाज़ अगर आप लोग सुन पा रहे हो तो। यहाँ पे अंदर भी कमरे हैं, इस साइड में कमरे हैं। यहाँ से अगर दिखाओ, अमर यहाँ से खड़े होकर, ये दिख रहा है आपको, ये कमरा है। तो ऐसे ही कमरे हो सकता है आगे भी बने होंगे, लेकिन हम लोग आगे नहीं जाएंगे। देखो चमगादड़ कितनी हलचल करने लगे हैं यहाँ आते ही। चलिए, यहाँ से ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इनसे हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं। ये जो नक्काशी है इसको देखते हुए आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये महल रहा होगा उस जमाने में, जो अभी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, टूट चुका है। ये देखिए, ये पिलर आप लोग देख रहे हैं, पूरा जर्जर है, पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ये लकड़ी पे टिका हुआ है, अगर ये लकड़ी टूट जाए तो ये भी गिर जाएगा। इस साइड में और देखिए, ये सारी की सारी तोड़फोड़ की गई है। इधर देखो, यहाँ पे भी ये देखो, पूरा तोड़ा गया है। ये पूरे किले को तोड़फोड़ की गई है, मतलब खजाना ढूंढने के चक्कर में।
लेकिन खजाना भी किसी को नहीं मिला। यहां से बहुत ही खूबसूरत नजारा दिख रहा है, देखो फोर्ट का, उधर आप लोग दिख रहा है पूरा फोर्ट दिख रहा है वहां से, ये किले का बहुत ही खूबसूरत नजारा यहां से दिख रहा है। वाह, नीचे देखिए, यहां पे अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये भी शायद खुदाई की गई है, लोग बाग बता रहे थे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। और किले के जो आप लोगों को सीढ़ियां दिखी थी, सीढ़ियां जो है यहाँ के स्थानीय लोगों ने बनवाई हैं इस मंदिर के लिए। इस मंदिर पे जो लोग हैं यहाँ के वो आते जाते हैं पूजा करने के लिए। सरकार इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है और पर्यटक भी यहाँ पे नहीं आते हैं, इसीलिए ये किला ध्वस्त हो रहा है। धीरे धीरे करके ये किला खत्म हो जाएगा, इतिहास में इसका सिर्फ और सिर्फ नाम रह जाएगा, किला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि चारों तरफ से दरारें पड़ चुकी हैं, ये किला कभी भी ढह सकता है। हालांकि ये वाले जो है ना, ये बहुत ही मजबूत है, संगमरमर के हैं, इसीलिए ये टिका हुआ है किला अभी तक। यहाँ पे जो इनके मेहमान आते थे, जो दूर दूर जगह से महाराजा वगैरह आते थे, वो इन्हीं जगहों पे ठहरा करते थे। जैसे यहाँ पे एक ये बना हुआ है, और इस साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ पे एक ये देखने को मिलती है तोप, ये तोप जो अभी गिर चुकी है। इस तरह की पहले यहाँ सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए यहाँ पे पहले बहुत सारी तोपें होंगी, एक तोप तो नहीं रही होगी, अभी तो फिलहाल यहाँ पे एक यही तोप रह गई है। ये जो तोप है ये पहले इस बुर्ज पे वहाँ पे रखी होगी, अभी ये नीचे गिर गई है। ये जो तोप है ये यहाँ पे ऊपर लगाई जाती थी, देखो ऊपर से आगे दिखा देते हैं, ये जो बुर्ज है ना, इस बुर्ज पे इस तोप को लगाया जाता था यहाँ पे, इस जगह पे यहाँ पे इस तोप को लगाया जाता था। और इधर की पूरी मतलब सुरक्षा की दृष्टि से इधर पूरा एक सैनिक यहाँ पे रहता था, अगर कोई भी दुश्मन मतलब हमला करे तो फिर ये तोप जो है दाग दी, इसमें गोले डाल के और ये दाग दिए जाते थे। पहले एक तोप नहीं रही होगी, उधर भी तोप होगी, यानी चारों तरफ तोपें रखी गई होंगी। इस साइड अगर चलते हैं, नीचे की तरफ आइए, यहाँ पे ये जो छतरी बनी हुई है, ये वाला जो है यही राजाओं का निवास स्थान रहा होगा, क्योंकि ये काफी खूबसूरत छतरियां बनी हुई हैं। इस छतरी को अगर आप देखेंगे तो कितनी ही खूबसूरत छतरी है, और आज से लगभग 300 साल पहले इसको बनाया गया होगा, 300 साल पहले भी, मतलब 300 साल से भी पहले इसको बनाया गया है, इस किले को। अभी जर्जर हो चुका है, देखो ये, इसको देखो, वाह, अंदर से दिखाओ अमर भाई, इसको जरा अंदर से दिखाओ, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है इसमें, देखो ऊपर देखो कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। जितने भी किलों में आप लोग जाएंगे, ये जो पेंटिंग है ना, इस तो पेंटिंग को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि इतना पुराना है ये किला, क्योंकि पेंटिंग वैसे के वैसे ही है, बिल्कुल जैसी पेंटिंग हुई थी सेम वैसे ही है। यहाँ से आप लोग चाहें तो इधर का नज़ारा देख सकते हैं, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो देखो वो वाला जो बुर्ज है ना, नीचे से दिखाओ, यहाँ पे ये जो बुर्ज आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे इनका एक सैनिक खड़ा रहता होगा और वो भी इस किले की रखवाली किया करता होगा। देखो यहाँ पे ये बुर्ज बना हुआ है और नीचे एक वो बुर्ज है, इस तरह के यहाँ पे बुर्ज बने हुए हैं, तो इस किले की भी घेराबंदी की हुई है। देखो वहाँ से वो एक पूरी दीवार है, उस साइड से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वहाँ से वो दिखेगी। अरे यहाँ खजाना नहीं है, खजाना के चक्कर में तो लोग बागों ने ये किला खोद डाला। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना पिलर, ये पूरे संगमरमर के पिलर हैं। यहाँ से आप लोग देखिए, इस छतरी से देखो कितना खूबसूरत नजारा दिखेगा। मधुमक्खी थी क्या? इस वाले वर्ष से देखिए, यहाँ से कितना खूबसूरत नजारा यहाँ का दिख रहा है। नीचे आप लोग वहाँ पे वो बुर्ज देख रहे हैं, ये सारे बुर्ज ऐसे बने हुए हैं, और इसके किनारे से वहाँ पे ये जो दीवार है, ये चारों तरफ से इस फोर्ट की बाउंड्री की हुई है, यानी बाउंड्री है, इस किले की पूरी बाउंड्री की हुई है। और ये जो घर वगैरह हैं ये बाद में बने हुए हैं, उस जमाने के नहीं रहे होंगे, हो सकता है कुछ इसमें जो हैं वो पहले के भी होंगे। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिख रहा है फोर्ट का, वाह, अरावली पर्वतमाला जो है ना बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, ये जो पहाड़ हैं बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। हाँ, और अभी बारिश का मौसम है तो चारों तरफ हरियाली आप लोगों को दिखेगी,
यहाँ पे एक और ये बना हुआ है, इस छतरी को भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये छतरी देखिए, यहाँ पे देखिए ये पेंटिंग की हुई है, मतलब अभी तो पूरी तरह से ये निकल चुकी है। इस साइड में देखेंगे तो इस छतरी में भी सेम जैसे वो छतरी बनी हुई है वहाँ पे, वो वाला जो गुंबद है उसी प्रकार का एक ये भी है। इसके इधर देखो कितना पेंटिंग है चारों तरफ, और यहाँ पे भी ऐसे ही है सेम। इस साइड में भी वही है जैसे वो उस वाले में थी, सेम ऐसे ही पेंटिंग है। अभी यहाँ पे ये जो किला है ये शराबियों का अड्डा बन चुका है, लोग यहाँ पे दारूबाज वगैरह आते हैं। ये देखो यहाँ पे पार्टी की हुई है, यहाँ पे एक चूल्हा बनाया गया है जिसपे यहाँ लोगों ने आके खाना बनाया होगा। हो सकता है ये पहले भी ये रहा हो, खाना बनाने वाला रसोई घर रहा हो, क्योंकि ये उपले जो है इनको जलाया जाता है तो ये राख बनती है, ये राख यहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पे ये एक मंदिर बना हुआ है श्री किले वाली पवन रूपी दुर्गा मंदिर, तो अभी हम आप लोगों को मंदिर दिखा देते हैं, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर ये बना हुआ है जिसमें एक प्रतिमा है, और यहाँ पे ये है मेन मंदिर। तो मंदिर में लाइट अभी बंद की हुई है, लाइट पहले ऑन कर देते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं अंदर का, लाइट जली नहीं रही अंदर। एक गुफा सी बनी हुई है और गुफा में अंदर ये मंदिर बना हुआ है, यानी पहाड़ को काट के अंदर ये मंदिर बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल घुप अंधेरा है, लाइट नहीं जल रही इसके अंदर। तो ये है यहाँ पे मंदिर, और ये मेरे हिसाब से जब किला बना है तभी ये मंदिर बनाया गया है, उसी टाइम का ये मंदिर है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में ये मंदिर भी देख चुके हैं और किला भी घूम चुके हैं। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।